जय श्री राम, जय श्री राम। आज हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वाइस जिला के हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष, सभी प्रवक्तागण और 111 मंत्री हमारे अध्यक्ष, आज एक इस प्रकार की बैठक जिनकी अध्यक्षता के लिए हरियाणा के कर्मशील कर्मियों भी यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में उनका आप सबकी तरफ से पूरे प्रदेश की तरफ से अभिनंदन करता, स्वागत करता, सबसे जोरदार कार्यक्रम जाकर हम सबको संभालने वाले जिन्होंने पूरा जीवन मां भारती के लिए समर्पित किया, हरियाणा के संगठन महामंत्री आदरणीय अरविंद राजू जी हम सबके बीच में पहुंचे, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं स्थानीय कार्यकर्ता जो हिसार के से निवेदन करूंगा, बाहर परिसर में कहीं भी हमारे इस बैठक में अपेक्षित मंडलाध्यक्ष को तुरंत सभागार में आकर के बैठक में पहुंचेंगे। मैं बैठक की शुरुआत करने के लिए माननीय अध्यक्ष चौधरी प्रकाश धनखड़ जी को, राजू जी को निवेदन करना चाहूंगा, वो डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत माता के समक्ष दीप करके पुष्प अर्पित करके इस बैठक की विधिवत शुरुआत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय रविंद्र राजू जी, एक मिनट जो अभी हो नहीं रहा जी। भारत माता की, वंदे मातरम के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, आप जब घुस रहे थे तो मैं एक ऐसी सूचना दे रहा था कि हमारे पन्ना प्रमुखों की संख्या हमारे सर्व पोर्टल पर 2,00,000 क्रॉस कर गई है। तीन लाख 46,000 का कुल एस्टिमेटेड डाटा है कि जो होने चाहिए, लेकिन अब हम उसके नजदीक पहुंच गए हैं। 58% पन्ना प्रमुख अपने पोर्टल पर आ गए। आज की ये बैठक एक विशेष दिन है। आज ही के दिन भारत की संविधान सभा में तिरंगे को स्वीकार किया था, 22 जुलाई 1947। तो आज हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हम एक तरह से अंगीकार दिवस, स्वीकार दिवस, स्वीकृति दिवस ऐसा दिन कह सकते हैं।
और इसी दिन हम फैसला करेंगे 90 की 90 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा निकालने। इस ऐतिहासिकता के साथ ये जुड़ा हुआ फैसला आज होगा। हम मिशन 2024 इसकी तैयारी की दृष्टि से आज अपनी ये महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में हम आगामी 3 महीने की योजनाओं की रचना करेंगे, उनको क्रियान्वित करने की रणनीति बनाएंगे। अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के डायमेंशंस पर बात करेंगे। मीडिया के साथियों से मैं तुम्हें निवेदन करूंगा कि वो